मुंबई महानगरीय क्षेत्र में ग्रिड फेल होने की वजह से मुंबई टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी बेस्ट ने कहा कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गई है। मुंबई के पूर्वी पश्चिमी उपनगरों में ठाणे के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रिड फेल होने का असर लोकल पर भी पड़ा है। पूरे मुंबई में 10:15 पर बिजली गुल हो गई है। बताया जा रहा है कि कलवा स्थित टाटा पावर के सेंट्रल ग्रिड फेल होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मुंबई में बिजली के बहाली में 1 घंटे का समय लग सकता है। ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई सिटी और उसके उपनगर में बिजली नहीं है। सेंट्रल, ईस्टर्न व वेस्टर्न लाइन पर ट्रेनें सेवा बाधित है। मुंबई प्रणाली को बिजली आपूर्ति के लिए लाइनों और ट्रांसफार्मर कालवा, बड़गे और खरगर आईसीटी पर कई ट्रिपिंग है। मुंबई में 360 मेगावाट की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पूरे मुंबई में बिजली गुल है। बिजली की आपूर्ति को फिर से शुरू करने के लिए काम किया जा रहा है। महापरिषदेच्या 400 KV कळवा पडगा जीआयएस केंद्रात सर्किट 1 चे देखभाल दुरुस्तीचे काम सुरू होते। यावेळी सर्व भार सर्किट 2 वर टाकलेला होता, मात्र सर्किट 2 मध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबई ते ठाणे मधील बहुतांश भाग आज प्रभावित झालेला आहे। तो अवघ्या अर्धा पाऊण तासामध्ये पुन्हा सुरू होईल। आमचे विद्युत कर्मचारी युद्धस्तरावर त्या ठिकाणी काम करतायत आणि पुनश्च वीज त्या ठिकाणी बहाल करणार।